आपको पता है वी ऑल लाइक टू बी ट्रीटेड फेयरली. जी हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर और स्टेटस, हर इंसान चाहता है कि उसे अनबायस तरीके से ट्रीट किया जाए, उसकी तरफ बिहेवियर में निष्पक्षता हो. और अगर उस पर नॉर्म्स अप्लाई किए जा रहे हों तो फिर किसी और के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स ना हों. स्पेशली अथॉरिटी फिगर्स की डिक्लेयर्ड वैल्यूज़ और उनके एक्चुअल बिहेवियर में कॉन्ग्रुएंस ना होना लोगों के दिमाग में डिसअपॉइंटमेंट लाता है. और अगर उन्हें लगता है कि उस अनजस्टिफाइड बिहेवियर की वजह से रिसोर्सेज का अलोकेशन अफेक्ट हो रहा है तो ये और एंग्स्ट पैदा करता है. चाहे घर हो या ऑफिस, इस समझ की एब्सेंस में हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स और इंट्रापर्सनल स्किल्स की क्वालिटी गिरती है. तो आइए देखें एक सिचुएशन और फिर बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी पर. आभा मैडम, विनी के पास इस काम का स्कोप है और वो रिलेटिवली फ्री है. ओके मैम, आई विल डू इट. क्या हुआ? उर्वी, तूने भाई भतीजा वाद सुना होगा, यहाँ बहन भतीजी वाद चल रहा है. खुला नेपोटिज्म. पर हुआ क्या? दैट्स सिंपली अनफेयर यार. आप किसी एक पर वर्कलोड बढ़ाते जाओगे और दूसरे को प्रोटेक्ट और डिफेंड करते रहोगे, ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है? पता नहीं आभा मैडम को विनी के लिए क्या सॉफ्ट कॉर्नर है, द ब्लू आइड गर्ल. और ऊपर से कहते हैं ट्रांसपेरेंसी हमारी कंपनी वैल्यूज में से एक है. ट्रांसपेरेंसी माय फुट. मैंने पूछा मैम व्हाई दिस क्लियर डिफरेंस इन वर्कलोड, तो कहती है दिस इज जस्ट योर परसेप्शन. ऐसा बोली? हाँ यार, और परसेप्शन है तो क्लियर रखो उसे. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. सो व्हाट वेंट रॉन्ग हियर? आपने देखा मेहर आभा के बायस्ड बिहेवियर से डिसअपॉइंटेड महसूस कर रही है और आभा उसे मेहर का परसेप्शन बता के उस बात को ब्रश ऑफ कर रही है. वेल, लेट्स अप्लाई सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि ऐसा करना क्यों सही नहीं है. अगर हम अपने ब्रेन को देखेंगे तो पाएंगे कि वेन एवर वी कम अक्रॉस अ बिहेवियर दैट इज मीन, बायस्ड और अनफेयर, तब हमारे ब्रेन के एक पार्ट इंसुला में एक्टिवेशन होता है. ये पार्ट यूजुअली डिस्गस्ट जैसे इंटेंस इमोशन में एक्टिवेट होता है. इन अदर वर्ड्स, Whenever we sense lack of fairness, तब हमारा ब्रेन एक अवॉइडेंस या रिपल्शन का थ्रेट रिस्पॉन्स जनरेट करता है. आइए अब हम अपनी सिचुएशन पर वापस चलते हैं. जैसा कि आपने देखा, आभा के बायस ट्रीटमेंट से मेहर तो डिसअपॉइंटेड महसूस कर ही रही है, साथ ही साथ उसकी फीलिंग्स उर्वी को भी सिनिकल बना रही हैं. इससे दोनों में कंपनी की तरफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग घटेगा और प्रोडक्टिविटी गिरेगी. मोर ओवर देयर बी अनदर प्रॉब्लम. लोग जब किसी को एक अनफेयर पर्सन मानते हैं तो दे डोंट फील एम्पैथी फॉर दैट पर्सन्स पेन. और कई बार तो वो ये मानते हैं कि वो पर्सन एक्चुअली पेन डिजर्व करता है. यानी अगर आभा मेहर के अनफेयरनेस वाले बिलीफ या परसेप्शन को एड्रेस नहीं करेगी तो मेहर में वेंजेंस की फीलिंग आएगी, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव मोड है फॉर आभा, फॉर द कंपनी और मेहर के लिए भी. जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, वी ऑल लाइक टू बी ट्रीटेड फेयरली. इट्स अमेजिंग, इजंट इट? सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना कुछ गलत करने से बच सकते हैं और इसे प्रॉपरली सीख कर कितना कुछ सही कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगली बार.